सुर और सर नीचे रख के बाद आया मुन्ना भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप सो होंगे फर्स्ट क्लास। गाइस, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा यार, इस टाइप की वीडियो ना इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे रील्स पे अपलोड करो तो आप लोगों की भी वीडियो 110% वायरल होगी। तो इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसमें जो फ्लैश इफेक्ट था हमारा वाइट वाला, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए जरा भी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो हम रोज लेके आते हैं इस चैनल पर। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइज, तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना। और गाइज, यहां पर आ चुके हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। और सबसे पहले गाइज, आप लोगों को अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है यहां से। अगर आप लोगों के पास VN एप्लीकेशन नहीं है तो गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा VN एप्लीकेशन का लिंक, जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहां पे नीचे देख सकते हो प्लस का एक आइकन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, सिंपली इस पर क्लिक कर देना एंड न्यू प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है? एंड आप लोगों को मैं 4 सेकंड की वीडियो दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जल्दी से जाओ वहां पे ज्वाइन कर लो मुझे, क्योंकि सारे स्टॉक्स और वीडियोस वगैरह मैं वहीं पे दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है? तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो जैसे गाइज यहां पे आ जाओगे, यहां पे देख सकते हो एक इस एप्लीकेशन की तरफ से वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, तो इसको आप लोग हमेशा की तरह यहां से डिलीट कर देना। और जो इसका साउंड है गाइज, उसको हम यहां से ऑफ कर देते हैं, ठीक है? एंड इतना करने के बाद यहां पे देख सकते हो प्लस का एक आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक करना एंड वीडियोस फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना। और गाइज, आप लोगों को अपनी वीडियो को यहां से ऐड कर लेना है, ठीक है? अगर आप लोग चाहो तो यार फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हो अपनी, लेकिन मेरे पास वीडियो है तो मैं वीडियो ऐड कर लेता हूं, ठीक है? और अगर आप लोग फोटो ऐड करना चाहो तो फोटो भी ऐड कर सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो हमारी वीडियो आ चुकी है। और अब गाइज, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि म्यूजिक ऐड करना है इसका, ठीक है? तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहां पे टैप टू ऐड म्यूजिक वाला जो ऑप्शन है ऊपर में देख सकते हो यहां पे, इस पे सिंपली क्लिक करना है एंड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है आप लोगों को। एंड गाइज, प्लस के आइकन पे क्लिक करके जाके यहां से अपनी वीडियो का जो मैं वीडियो दूंगा उसका साउंड एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी करके यहां पे रखा है तो मैं सिंपली चूज पे क्लिक करूंगा एंड यहां पे म्यूजिक बीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है? एंड यहां पे मैं दिखा देता हूं कितने कितने सेकंड पे मैंने बीट लगाया। तो पहला बीट है हमारा 5 सेकंड में, ठीक है? यहां पे देख सकते हो दूसरा बीट है हमारा 6 सेकंड में एंड तीसरा बीट है हमारा 7 सेकंड में और चौथा बीट है हमारा 8 सेकंड में और पांचवा बीट है हमारा 9 सेकंड में, ठीक है? अगर आप लोग म्यूजिक सुन के लगाओ तो ज्यादा सही होगा। तो बीट ऐसे लगाना है, बता देता हूं, ये रेड वाला जो है ना, इस पर क्लिक करोगे तो हमारा बीट लग जाएगा, ठीक है? और अगर आप लोगों का डिलीट करना है अगर इसको, तो इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने तो अच्छे से बीट ऑलरेडी लगा के रखा है और आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया कि किस तरीके से बीट लगाना है। तो डन कर देंगे यहां से एंड यहां से भी इसको हम डन कर देते हैं, ठीक है? एंड इतना करने के बाद गाइस, आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे देख सकते हो जो बीट शो हो रहे होंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेकंड वाले बीट पे आना है एंड यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद थर्ड वाले बीट पे चले जाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे आएंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे इस वाले बीट पे आके एंड यहाँ पे भी पांचवे बीट पे आके इसको भी स्प्लिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और लास्ट वाला जो है गाइज, हमारे म्यूजिक तक हम रखेंगे, बाकी का पार्ट हम डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? इतना समझ चुके हो आप लोग। और अब आगे आप लोगों को क्या करना है कि जो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे पहला वाला जो है ना प्लस का आइकन हमारा, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे कि मैंने बताया था व्हाइट फ्लैश वाला इफेक्ट किस तरीके से डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड नंबर में एक व्हाइट का एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ये व्हाइट वाला फ्लैश आ चुका है। चाहो तो आप लोग ब्लैक वाला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन व्हाइट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो व्हाइट वाले पे आएंगे एंड इसकी ड्यूरेशन आप लोगों को 45% के आसपास रखना है, ठीक है? एंड यहाँ नीचे देख सकते हो अप्लाई ऑल का एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो हमारे सारे बीट्स पे यहाँ पे देख सकते हो सारे प्लस के आइकन पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना? अब आप लोगों को फिर से वहीं पे क्लिक करना है जहां पे फर्स्ट टाइम पे प्लस के आइकन पे क्लिक किए थे, वहां पे क्लिक करके यहां पे आप लोगों को जूम इन वाला यहां पे इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। देन इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऐसे डन कर देना है, ठीक है? एंड अब देख सकते हो यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये फ्लैश इफेक्ट भी आ गया और यहां पे हमने जूम इन वाला भी लगा लिया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे प्ले करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोगों को मैं म्यूजिक नहीं सुना सकता क्योंकि इस पे कॉपीराइट का
इशू आ सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग वीडियो तो देख ही लिए हो और किस तरीके से इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है, फ्लैश इफेक्ट वगैरह आप लोग समझ ही गए होगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस टाइप की वीडियो बनाओ यार जल्दी से, आई होप कि आप समझ ही गए होगे। और अब आप लोगों को इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर की तरफ देख सकते हो एक एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन डन कर देना है। तो गाइज ये वीडियो ना आप लोगों की गैलरी के अंदर हो जाएगी सेव। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।